स्टार्ट। मेरे सभी डीएलएड और डीएड धारी साथियों से मेरे को आज कुछ कहना है। आज हम लोग बहुत दूर से अपने हक की लड़ाई के लिए आज यहाँ आए थे और जितनी संख्या में हमें आना चाहिए उससे हम कम संख्या में आए हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोग यहाँ आए और आज हमारी बातों को हमने जब संचालक के सामने रखा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो साथियों, हमारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। 3 दिन बाद ऐसा बोल रहे हैं कि डीएड धारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो आप ये समझिए, हमारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। आज हमारा जो हक है हमसे छीना जा रहा है। हमें जो हक मिलना चाहिए वो छत्तीसगढ़ सरकार हमें नहीं दे रही है। तो उठिए साथियों, कल प्लीज सब बहुत बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ आइए और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि अगर हमें अभी कुछ कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ है संगठन की शक्ति। और ये और जो डीएलएड का अधिकार है वो सिर्फ डीएड का है, पीआरटी में सिर्फ डीएड का अधिकार है। साथियों, आज हम लोग डीपीआई गए थे, बड़ी बहुत दूर दूर से आए हैं। कोई कांग्रेस से आया है, कोई कोरबा से आया, मैं खुद कोरबा से आई हूँ। मुझे पता है कि मेरा हक मुझसे छीना जा रहा है, तो इसलिए मैं अपने हक के लिए आई हूँ। आज हम लोग रात को यहीं रुक रहे हैं, हम अपने घर की चिंता किए बिना आज यहाँ हैं। तो प्लीज़, अगर आप हम इतने दूर से आ सकते हैं तो आप आसपास के लोग क्यों नहीं आ सकते? क्यों अपने हक के लिए आप लड़ नहीं सकते? क्या डीएड वाले इतने कमजोर हैं? अगर बीएड वाले लोग के में संगठन है तो हम में क्यों नहीं है? हाँ, अगर वो गलत चीज़ को सही साबित कर सकते हैं तो हम अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? क्यों आप नहीं आ रहे हैं? क्यों, क्या मेरे सिर्फ मेरे को नौकरी मिलेगी क्या? इसमें तो आप सबकी भलाई है ना, तो आप सबको आना चाहिए। आप सबको संगठन सिर्फ हमें अभी बचा सकता है तो वो है संगठन। 3 दिन में हम लोग को उनकी नियुक्ति को रोकना है साथियों, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में, कम से कम हमें 500 प्लस लोगों की जरूरत है। अगर इतने नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, समय हाथ से निकला जा रहा है। तो प्लीज अगर आप में थोड़ा, साथियों हमने कल 3 प्रोग्राम सोचा है कि हम उनके पास जाकर अपना पक्ष रखेंगे। पहला है सीएम हाउस, दूसरा है शिक्षा मंत्री के पास और तीसरा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथियों आप समझिए, हमारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। अगर आज आप नहीं जागे तो ये भूल जाइए कि आपको नौकरी मिलेगा। अगर आपको कल नौकरी मिलता है, आप एक दिन अपने समय का थोड़ा सा सदुपयोग करके क्यों नहीं आ सकते? साथियों, अगर 3 दिन जागने से आपको 40 साल की नौकरी मिल सकती है तो आप क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं आ सकते? जब हम इतने दूर से आ सकते हैं, लड़की होकर रात को यहाँ रुक रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते? साथियों, अभी डीएड की एकता की बहुत जरूरत है। सिर्फ संगठन ही हमें बचा सकता है, 500 से 700, सिर्फ संगठन ही हमें बचा सकता है। और 500 प्लस अगर आप आते हैं तभी हमारा सुनवाई होगा। हम कुछ भी करेंगे, मैं भरोसा दिलाती हूँ कि हम लड़ेंगे। जब तक हमारे अधिकार को नहीं सुना जाएगा हम वहीं बैठे रहेंगे, हम नहीं हटेंगे, क्योंकि पीआरटी में सिर्फ डीएलएड का अधिकार है। और जो डीएलएड का अधिकार है जो हर राज्य मान रही है, उसे छत्तीसगढ़ सरकार को भी मानना पड़ेगा। और